कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन रावण चारी रावण चारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा नील माधव राधा नील माधव जय राधा नील माधव राधा नील माधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण अष्टोत्तर शतश्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय सिंहदेव भगवान की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू द लोटस फीट ऑफ श्री गुरु एंड श्री गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे और श्रीमद् भागवतम से इसका श्लोक और अनुवाद को देखेंगे। तो आज हम जा रहे हैं पांचवे स्कंद पांचवा अध्याय और पहला श्लोक। उसके पहले हम प्रार्थना कर लेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जाय। तो 5-5-1 इस श्लोक को हम देखेंगे, आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ऋषभ उवाच नायं देहो देहाभाजं नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजं ये तपो दिव्यं पोत्रकयेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्मद्ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। दुबारा। ऋषभ उवाच नायं देहो देहाभाजं नृलोके कष्टान् कामानर्हते विद्भुजं ये तपो दिव्यं पोत्रकयेन सत्वं शुद्ध्येद्यस्माद्ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कुछ इस तरह से इसका अनुवाद है। ऋषभ देव ने अपने बेटों से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, सभी जीव जिन्हें भी मनुष्य शरीर मिला हुआ है इस भौतिक जगत में, उन्हें दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये तो कुत्ते, सुअर और गधों के शरीर में भी उपलब्ध है। मनुष्य योनि में उन्हें तप करना चाहिए जिससे उन्हें भक्ति का प्राप्ति हो। इससे उनके हृदय पवित्र हो जाते हैं और उन्हें आनंदमय अविनाशी जीवन प्राप्त होता है जो भौतिक सुख से परे है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु स्वामिनिति नामिनि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भागवतम के इस स्कंद में महाराज ऋषभदेव के विषय में चर्चा हो रही है और हम देखते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं हमें कि ऋषभदेव भगवान के ही एक अवतार है जो महाराज नाभि के पुत्र के रूप में आए थे और उनके खुद के 100 पुत्र थे जिनमें नवी योगिंद्र भी है और जिनमें सबसे बड़े हैं, हम उस किरदार को जानते हैं बड़े अच्छे से भागवतम में, उनके बड़े बेटे का नाम था भरत, भरत महाराज, जो बाद में जाके जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने महाराज रोहगुड़ा को ज्ञान की बातें बताई जिससे उन्हें अपने आध्यात्मिक रास्ते पे चलने का मार्ग मिला। तो ऋषभदेव अपने बेटों से ये कह रहे हैं, बल्कि उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। वो समझाते हैं कि मनुष्य जन्म या मनुष्य शरीर जो हमें मिला है इसका उद्देश्य क्या है, हम मनुष्य शरीर मिलने के बाद क्या करते हैं और एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, ये 2 विषय के बारे में वो हमें समझाते हैं। तो पहले वो बोलते हैं कि मनुष्य योनि और दूसरे
जानवरों के योनि में अंतर है, कुछ कुछ समानताएं हैं और कुछ कुछ अंतर है। समानताएं क्या है? समानता ये है कि मनुष्य योनि और पशु योनि में इंद्रिय तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति है वो समान है। एक पशु भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है और एक मनुष्य भी अपने शरीर धारण करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। क्यों? सुख भोग करने के लिए। लेकिन भरत इसमें ऋषभदेव समझाते हैं कि अगर मनुष्य जन्म मिलने के बाद कोई सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल खुद की सुख की भोग प्राप्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति करता है, तो उसमें और पशु योनि में कोई अंतर नहीं है। तो अगर सचमुच मनुष्य जीवन का कोई लक्ष्य है, तो वो बताते हैं कि वो लक्ष्य क्या है, कि उन्हें तप करना चाहिए, वॉलेंटरी ऑस्टेरिटी, उन्हें तप करना चाहिए। तप क्यों करना चाहिए? ताकि उनको जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? कि हम भगवान के भक्ति में लीन हो, भक्ति के तरफ आकर्षित हो और भक्ति में हम लग जाए, भगवान की सेवा में तत्पर रहे। लेकिन भगवान की सेवा में तत्पर रहने के लिए हमारी शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, अंतकरण को शुद्ध करना, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं और हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो अशुद्ध हृदय में जो भी इम्प्योरिटीज है उसको साफ करनी है। तो उसको साफ करने के लिए साबुन की जरूरत है, और वो साबुन क्या है? वो है तप। तो तप के द्वारा शुद्धिकरण होती है। शुद्धिकरण होने की वजह से हमारे अंदर की जो आकर्षण है, स्वाभाविक आकर्षण है भगवान की तरफ, वो जागृत होती है। और जब वो जागृत होती है तब हमें अंदर से परम सुख, परम आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए वो तप तप नहीं रह जाता, वो तप आनंदमय बन जाता है, एक स्वाभाविक हमारा एक आचरण बन जाता है जीवन में। तो इस तरह ऋषभदेव अपने बेटों को ज्ञान देते हैं। तो हम देखते हैं कि कभी कभी, खासकर आज के इस माहौल में, आज के इस कलयुग में, लोग भूल जाते हैं कि ये मनुष्य योनि किस लिए है, ये शरीर किस लिए प्राप्त है। लोग लगे रहते हैं इसमें, भौतिक, इस भौतिक जगत में कड़ी मेहनत करते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो 7ों दिन काम करता हूं। वर्क इज वर्शिप, आप काफी लोगों से हम सुनते हैं कि वर्क इज वर्शिप, बस काम करते रहो, इसी में यही भक्ति है, यही भगवान की सेवा है बस। तो क्या ये सही है? जो गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उसमें वो लोग लेकर अपने हिसाब से तोड़ के मरोड़ के सामने रखते हैं और बोलते हैं काम ही सबसे जरूरी है, उसी को करते रहो। तो ऐसे लोगों को या ऐसे मनोवृत्ति को प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो है ये पशु वृत्ति है, मनोवृत्ति है। ये सिर्फ गधों के जैसे, जैसे गधे करते हैं, वो सिर्फ काम करते रहते हैं, थोड़ी सी घास के लिए, थोड़े से चारा चारे के लिए सारा दिन वो काम करते रहते हैं। तो मनुष्य जन्म उसके लिए नहीं है। अगर सिर्फ कोई इसी में लीन रहता है, काम करो करो करो, पैसे कमाओ कमाओ कमाओ, तो क्या होता है हम देखते हैं। अगर आदमी सिर्फ उसी में फोकस रहता है तो उसके बाद क्या होता है? उसकी उसका शरीर ठीक नहीं रहता, बीमारियां आ जाती हैं। और फिर जवानी में जब उसने इतना समय दिया है पैसे कमाने में, काम करने में, उसके बाद जब उसको बीमारियां होती हैं तब वो पैसे गवाता है अपने आप को ठीक करने में। कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी ठीक नहीं हो पाता। तब उसके पास पैसे हैं लेकिन शरीर नहीं है उसको भोग करने का, और इस तरह से टोटली डिसअपॉइंट होकर, डिसहार्टन होकर वो अपना शरीर त्याग देता है और दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो इसी तरह ये जीवन और मृत्यु के इस साइकिल में मनुष्य घूमते रहते हैं। हरे
खासकर इस कलयुग में। तो ये समझना है कि इंद्रिय तृप्ति यानी सिर्फ मेरे लिए मैं काम कर रहा हूं, मेरे इंद्रियों के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए मैं करूं, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके हिसाब से उनकी तृप्तियों के लिए, उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं काम करूं, और काम करूं ठीक है लेकिन बहुत कड़ी मेहनत करूं, क्योंकि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे वो चाहिए। देखिए संतुष्टि तो होती नहीं है, हम सोचते हैं कि हम संतुष्ट हो जाएंगे ये होने के बाद। एक स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरा पढ़ाई खत्म हो गया तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छे की नौकरी मिल जाए, है ना। नौकरी जब मिलती है तब क्या होता है, वो खुश हो जाता है, तृप्त हो जाता है, नहीं होता। वो ये सोचता है कि अब मेरी मुझे एक अच्छी लड़की मिली या एक लड़का मिले, कभी अच्छे से शादी हो जाए। हाँ पता नहीं आजकल लोग सोचते भी है कि नहीं, क्योंकि शादी का जो जो डिजायर है वो घटता जा रहा है। पार्टनर की अब समय आ गई कि पार्टनर की जरूरत है, जो भी है वो आज का चर्चा नहीं है। तो शादी करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि नहीं तो एक आध बच्चे हो जाए तो अच्छी बात है। तो बच्चे होते हैं, फिर वो समझते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाए तो हमें समय मिले अपने आप के लिए, और ये करते करते बच्चे बड़े होते होते 20 साल लग जाते हैं, तब तक उनको खुद बूढ़े हो जाते हैं। बाल तो वैसे भी 30 साल के बाद या कभी कभी उसके पहले भी पकने लगते हैं। तो पहले लोग बोलते थे कि बाल अगर सफेद हो जाए तो समझ लो कि रिटायरमेंट का समय आ गया है। आज के माहौल में हम देखते हैं कि 20-25 साल में ही बाल जो है सफेद होने लगते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग के प्रभाव में हम अज्ञानता में जी रहे हैं। हमें ये खुद ही पता नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, कैसी हमें जिंदगी जीनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे इस जीवन को आगे ढालना है, कैसे काम करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब हम भूल चुके हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई उतार चढ़ाव होता है तब लोग उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि अपना मानसिक जो संतुलन है उसको खो देते हैं और अपने आप को वो संभाल नहीं पाते, और ये जो अंदर की जो कश्मकश है ये बाहर निकलती है इस तरह से। बाल सफेद हो जाते हैं, बीपी हो जाता है, किसी किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई कैंसर से भुगत लेता है। तो ये जो है ये हमारे जो इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल है ये इसका उदाहरण है। तो इससे हमें बचना है। और देखिए जब ऐसी बीमारियां ऐसी तकलीफें आती हैं तब बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं कि देखिए भौतिक जगत में तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दुख कभी भी किसी भी समय आ सकता है और हम उसे रोक नहीं सकते, हमारे अंदर उसको रोकने का कोई तरीका और ना कोई टेक्निक है। तो आदमी करे तो क्या करे। तो इसलिए जब भी तकलीफ आती है लोग यही समझ लेते हैं कि भाई इस तकलीफ को दूर करने का मुझे प्रयास करना चाहिए, और वो कड़ी मेहनत करते हैं। और अगर दैववश वो जो भी मेहनत जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाती है वो मेहनत करने के बाद, तो वो सिर्फ सोचने लगता है कि मैंने कड़ी मेहनत की तो मेरे बलबूते पर ये तकलीफ चला गया। जब तक ये सोच रहा होता है दूसरा तकलीफ आ जाता है, और कभी कभी जो दूसरा तकलीफ है वो पहले तकलीफ से ज्यादा बड़ा हो जाता है और आदमी फिर से जूझता है, मेहनत करने लगता है। तो इसको इसी चीज को प्रहलाद महाराज बताते हैं पुनः चर्वित चर्वणानम, कि इस भौतिक जगत में हम तकलीफों को झेल रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके उसको उसका प्रतिकार करने के लिए, और तकलीफें आती रहती है, हम मेहनत करते रहते हैं और इस तरह एक पशु के तरह हम अपना जीवन जीते हैं। तो क्या यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? नहीं, ये नहीं है। मनुष्य लक्ष्य जो जीवन है उसका लक्ष्य क्या है? देखिए
जब कृष्ण भगवान ने पहले सृष्टि की थी, पहले जीव की, पहले जीव कौन है? तो भागवतम में हम देखते हैं, खासकर दूसरे स्कंद में इसका जिक्र आता है कि भगवान की पहली जो सृष्टि है, जो पहले जीव का निर्माण हुआ, वो जीव कौन है? वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जब कमल के ऊपर उनकी सृष्टि हुई और पूरा अंधेरा छाया हुआ था, वो उस कमल के फूल से उतरकर वो डंडी से नीचे तक गए, पूरा अंधेरा था, वो उसका अंत नहीं खोज पाए, तब वो आके बैठे और पूरी तरह कंफ्यूज थे, वो समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या है। तब भगवान ने बिना दर्शन दिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एक ही निर्देश दिया था, बल्कि एक शब्द कहा था उनको। तो जो भागवतम पढ़ते हैं उनको पता है वो शब्द क्या है। वो शब्द है त प। तो पहला जो मार्गदर्शन है, पहला जो निर्देश है भगवान का पहले जीव के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, वो है तो इससे ये साबित होता है कि पहला हमारा मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो है। तो तप, अगर हम समझते हैं कि जब भी तप की बात आती है तो लोग समझते हैं कि बहुत तकलीफ देगा ये चीज, वैसे ही मेरे जीवन में इतना तकलीफ है, ऊपर से मैं तप करके और अपने तकलीफों को क्यों बढ़ाऊं, ये प्रश्न आ सकता है किसी के मन में। तो हम ये देखते हैं कि तप जो है और तकलीफ है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। तकलीफें जो है वो अपने हिसाब से, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से आती हैं और आती रहेगी जब तक ये मनुष्य शरीर है, बल्कि जब तक हम कोई भी शरीर धारण करते हैं तकलीफें आती रहेंगी, वो एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। लेकिन तप करने की जो इच्छा है वो हमारी इच्छा है, वो हमारी स्वतंत्रता है जो हमें भगवान ने दी है, जो हमारा फ्री विल जिसको हम बोलते हैं। तो उस स्वतंत्रता को हम तप के द्वारा इस्तेमाल कर सकते, और तप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब तप करते हैं तब अपनी स्वेच्छा से हम कुछ तकलीफें उठाते हैं। आपको ये कहेगा कि भाई तकलीफ तो फ्री में मिल रहा है, आप क्यों तप करके तकलीफ उठा रहे हो, दिमाग तो सही है। नहीं, जो तकलीफें हम ऐसे ही हमें स्वाभाविक तौर पे हमें झेलना पड़ता है या हम झेलने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, उन तकलीफों पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब प्रतिकार नहीं कर सकते हम, हमें वो झेलना ही पड़ता है मजबूरी में। और वो क्यों झेलते हैं इसका कोई हायर कॉज नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छा उसके लिए मैं अभी, चलो हमारे मेरे जीवन में अगले कुछ साल तक मैं तकलीफें झेल अगर लूं तो आगे मेरे जीवन में तकलीफ नहीं आएगा, ऐसा कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। आप अगर अब पिछले अगले 5 या 6 साल या 10 साल आपने एकदम जोश से सभी तकलीफें सह ली, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल बाद आपका तकलीफ खत्म हो जाएगा, बल्कि ये गारंटी है कि तकलीफ खत्म नहीं होगा। लेकिन जब हम तप करते हैं, तप हम कैसे कब करते हैं? जब हमें पता होता है कि ये तप करने के पीछे एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, एक बड़ा लक्ष्य है। और वो बड़ा लक्ष्य क्या है? पहली बात, ये हमारा मनुष्य योनि में हमारा जीवन का लक्ष्य है, जिससे हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। हम तकलीफ क्यों झेलते हैं? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, जो एक जेल के समान बताया गया है। अगर कोई ये कहे कि भाई मैं जेल में हूं और मुझे स्वतंत्रता चाहिए, सुख चाहिए, अपने हिसाब से चलने का अधिकार चाहिए, तो तकलीफ, तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा गलत है या ये जेल का प्रॉब्लम है? नहीं, जेल का स्वभाव है कि वहां पे आपको स्वतंत्रता नहीं है, वहां पे जैसे आपको कहा गया है
जैसे आपको करना है वैसे ही आपको करना पड़ेगा, आपका कोई अधिकार नहीं है उसमें, आप उसको इसके प्रतिकार भी नहीं कर सकते। तो उसी तरह इस भौतिक जगत में भी जब तक हमें ये शरीर मिला है, चाहे मनुष्य का हो या किसी और योनि का हो, तकलीफ और दुख हमें झेलने ही पड़ेंगे, ये पैकेज में आता है। एक ही तरीका है उस तकलीफ से निकलने का, और तरीका क्या है, इस भौतिक जगत से स्वतंत्र हो जाना, निकल जाना। और आध्यात्मिक जगत में जो हमारा सही मानों में घर है, वहां के लिए प्रस्थान करना, वहां चले जाना, तब हम परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो इस बात का जब हमें ज्ञान है, होता है, तब हम तप करने पर काफी सीरियस हो जाते हैं, और जैसे जैसे हम सही तरीके से, सही मार्गदर्शन से तप करने लगते हैं, तब अंदर से, बाहर से तकलीफ होती है लेकिन अंदर से सुख की भी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, और वो तप तप नहीं रहता, वो तप परम आनंद में परिणत हो जाता है। तो इसी तरह जो मेहनत हम करते हैं तप करने के दिशा में, तो वो मेहनत एक बड़ी आदर्श के लिए होती है, एक वो स्वतंत्रता पाने के लिए होती है। तो जैसे एक अच्छा उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए कोई बीमार है, तो अगर कोई बीमार बीमार हो जाता है तो उसे तकलीफ होती है शारीरिक तौर पे, सर दुख रहा है या बदन में कहीं दुख रहा है तो उसे तकलीफ होती है, लेकिन उसे ये पता है कि अगर मैंने तप किया, कैसे, डॉक्टर के पास जाके उनके कड़ी कड़ी गंदी गंदी दवाइयों को खाके जो कि मुझे बहुत तकलीफ देगी, लेकिन अगर मैं उस दवाई को तप के तरह समझूं तो वो दवाई खाने के वजह से या खाने के बाद मेरी जो तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएगी, तो मेरे भौतिक तकलीफों को दूर करने के लिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ेगा उसके ऊपर, ताकि ओरिजिनल जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए। ये है और एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन एक कहानी है। तो एक मार्बल के खान में, मार्बल फैक्ट्री, जहाँ जहाँ से मतलब मार्बल जहाँ से मिलता है पहाड़ में, राजस्थान में, जहाँ से मूर्तियां वगैरह जहाँ से आती है, तो वहां पे जो मार्बल की जो फैक्ट्री है वहां पे दो तरह के मार्बल के स्लैब पड़े थे। तो एक स्लैब का जो नतीजा था वो क्या हुआ कि एक जो मार्बल का पीस है, वो मार्बल का पीस को कारीगर ने अच्छे से उसको कार्व करके, कैसे उसके उसके ऊपर कारीगरी करके एक बहुत ही बढ़िया उम्दा एक स्कल्पचर बनाया, एक मूर्ति बनाई उन्होंने, और वो मूर्ति इतना अच्छा बन गया कि वो मूर्ति को एक बड़े से म्यूजियम में कांच के अंदर ढक के बड़े एक रूम के अंदर रखा गया, ताकि उस म्यूजियम में आने वाले सैकड़ों जो लोग हैं वो उसको देख सके, उसको सराह सके, उसकी स्तुति कर सके। और उसी खान से दूसरा मार्बल का एक स्लैब आया जिसके ऊपर भी कारीगरी की गई, लेकिन उसके ऊपर कारीगरी ये की गई कि उसे फ्लैट टाइल के जैसा काटा गया, और वो भी इतना अच्छा था कि उस टाइल को उसी म्यूजियम में, उसी रूम के अंदर जमीन पे ले किया गया, डाला गया था, मतलब वो उस म्यूजियम का जमीन बना, तो उसी खान से था, लेकिन एक मूर्ति बना, एक फ्लोरिंग बना। अब एक ही खान से आए थे तो दोनों में, दोनों तो एक तरह से दोस्त कह लीजिए या भाई बहन कह लीजिए, वो कहलाते हैं, मार्बल की बात कर रहा हूं। तो जब म्यूजियम में दोनों थे, लोग आने लगे, अब जो लोग आने लगे उस रूम के अंदर, तब क्या हुआ, जो मार्बल जमीन पे लगा हुआ था
उसके ऊपर लोग चल रहे थे, पैर से उसके ऊपर चल के आ रहे थे। और जो दूसरा मार्बल था जिससे मूर्ति बनाई गई थी वो काफी ऊपर था, एक स्टैंड के ऊपर उसको रखा गया था, अच्छे से कांच के अंदर उसको ढका गया था, और लोग उस जमीन के ऊपर चल के आते थे और इस मूर्ति के सामने बड़े समय तक खड़े रहकर एकदम ध्यान पूर्वक देखते थे और वाह वाह करते थे, क्या बात है, कारीगर ने क्या फर्स्ट क्लास बनाया है, और बहुत प्रशंसा कर रहे थे करते थे और चले जाते थे। तो ऐसे होता था। तो एक दिन जो फ्लोर पे जो जो फर्श पे मार्बल था वो उस मूर्ति वाले मार्बल से पूछा कि भाई एक बात बता, मैं और तू एक ही खान से आए थे, हम तो साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ हम पढ़े थे वहां पर, लेकिन आज देखो मैं फर्श पे हूं और लोग मेरे ऊपर पैर से चल के आते हैं, मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देते, देखते भी नहीं, कुछ बोलना तो दूर की बात, और मेरे ऊपर चल के वो आते हैं, तेरे पास आके खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं और प्रशंसा करते हैं तेरी, ये है वो है फलाना फलाना, इसका राज क्या है, लोग तुझे इतना प्रशंसा करते हैं और मुझे देखते तक नहीं है, ऐसा क्यों, हम तो एक ही खान के हैं। तब वो जो मूर्ति वाला है, मूर्ति वाला जो मार्बल है वो ये कहता है, देख भाई हम निकले एक ही खान से हैं, ये बात मेरी बिल्कुल सही है, लेकिन तू भूल गया हम दोनों एक ही कारीगर के हाथ में गए थे, उस मूर्तिकार के हाथ में, और उस मूर्तिकार ने क्या किया, अपने जो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स को हमारे ऊपर उन्होंने चलाया, उन्होंने ठोका उससे, हथौड़ी से उस इंस्ट्रूमेंट से, तो उस स्कल्पचर को कार्व करने के लिए उसने ठोका। जब वो ठोकने लगा हमें दोनों को, हमें दोनों को बहुत तकलीफ हुई, कोई अगर आपके आपके बदन पे कुछ ठोक रहा है तो तकलीफ तो होगी ना, तो दोनों को ठोक रहा था, तो तूने क्या किया याद है, तूने कहा कि यार बहुत तकलीफ हो रही है, और तू टूटने से तो उसको उस पे अपना इफेक्ट डाल रहा था कि तू टूटने की जो प्रयास कर रहा करना चाहिए तुझे वो तू नहीं कर रहा था, क्योंकि तुझे तकलीफ हो रही थी, तो उसको रेजिस्ट कर रहा था, जब तूने बार बार रेजिस्ट किया तब वो कारीगर उसको काट नहीं पाया ठीक से, तो क्या किया उसने, तुझे छोड़ दिया अलग से, और फिर उसने मुझे उठाया, मेरे साथ भी उसने वही किया, ठोका धीरे धीरे, लेकिन मुझे पता था कि ये जो कारीगर है ये अच्छी मूर्तियां बनाता है, और अगर मैंने इस तकलीफ को झेल लिया तो मैं भी एक अच्छा मूर्ति बन जाऊंगा और बाद में लोगों को सुख दे पाऊंगा। इस ज्ञान से मैंने अपने आप को तकलीफ सहने पर मजबूर किया और मैं तकलीफ सहता रहा, जैसा जैसे मैं तकलीफ सहता रहा वो उसी तरह मेरे ऊपर भी चलाता गया हथौड़ा, और धीरे धीरे करते 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 उसने एक इतनी बड़ी अच्छी मूर्ति बना ली और मैं यहाँ पे आ गया। तो तूने तकलीफ नहीं सही या ना सहने की ठान ली तो तू जमीन पे चला गया, मैंने तकलीफ सहने की ठान ली मैं यहाँ पे आ गया, तो तप मैंने किया तो मुझे ये प्राप्ति हुई, तूने तप नहीं किया तो तेरा ये नतीजा है। तो हमारे जीवन में भी दोस्तों यही हाल है, हम अगर भगवान के लिए या भगवान के निर्देश अनुसार इस मनुष्य लक्ष्य को पार करने के लिए अगर हम तप करते हैं तब हमारा जीवन सफल होता है, और हम खुद खुद ही नहीं दूसरों के लिए भी एक आनंद का जरिया बन जाते हैं। भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है तीसरे स्कंद में, जहां पे कहा गया है, तपसैव परम ज्योति भगवंतम मधोक्षजम सर्वभूता गुहावासम अंजसा विन्दते पुमान। तो कहते हैं कि केवल तप के जरिए
भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जो के सभी जीवों के हृदय में है और हमारे जो भौतिक इंद्रियां हैं उसके परे है। तो तप का जो मेन मकसद है वो है भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन होना, और हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है इस भौतिक जगत से निकल जाना, इसको प्राप्त करना या इस दिशा में जाना, ये सबसे जरूरी है। तो तप कैसे करें? सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाएं क्या? हाँ, या सारा दिन हम बैठे रहे ध्यान में? भाई हम संसारी लोग हैं, ऐसा हम तप नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रश्न के लिए भगवद गीता में सही तप क्या है, सही तप कैसे करने चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में वर्णन है। तो 17वें अध्याय भगवद गीता का, उसका 14, 15, 16 तीन श्लोक में बहुत ही बढ़िया तरीके से कृष्ण में समझाते हैं कि तप क्या है। तो तप जो है वो एक, अगर हम उसको डिटेल में जाएं तो तीन तरह के तप हम देखते हैं। एक है शरीर का तप, जो शरीर हमें मिला है, जो एक यंत्र है, इसको हमें तपाना है। जैसे कहते हैं ना, सोना जो है वो तप के सोना बनता है। जब सोने के खान से उसको निकाला जाता है, उसमें वो पवित्र नहीं होता, इम्प्योरिटीज रहती हैं उसमें, कुछ खामियां होती हैं। तो उसी तरह मनुष्य जीवन में जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, मतलब हमें, हमारे अंदर कुछ खामियां हैं, उसको हमें पवित्र करनी है। तो जिस तरह सोना तप के पवित्र होता है, उसी तरह मनुष्य भी तप के पवित्र होता है। और इस शरीर को तपाना मनुष्य जीवन का एक परम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे मन को भी तपाना है और हमारे जो वाणी है उसको भी तपाना है। तो शरीर, मन और वाणी, ये तीन चीज को हम जब तप करते हैं, इन तीनों चीजों के द्वारा, तभी हमारा तप जो है वो उम्दा कहलाता है और अल्टीमेटली वो हमें इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक बनते हैं। तो वो तीन क्या है हम देखते हैं। अनुद्वेगा करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वान्मयम् तप उच्यते। सॉरी, ये 15वां है, 14वां से हम करेंगे। देव द्विज गुरु प्रज्ञ पूजानम शौच मार्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो 14वें जो श्लोक है उसमें कृष्ण बताते हैं कि परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो इसमें क्या है कि परमेश्वर, भगवान, ब्राह्मण, गुरु, तो भगवान, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता और गुरुजन, इन चारों की पूजा करना, इन चारों के जो भी निर्देश है उनका पालन करना, ये एक शारीरिक तप कहलाता है। आज हम देखते हैं कि माँ बाप के, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के बातों को पालन करना तो दूर की बात, उनको इज्जत भी नहीं करते। यही आज समाज में चल रहा है। तो कृष्ण बताते हैं कि आपको उनके निर्देशों का पालन करना है और ये हमेशा आसान नहीं होता। तो अगर हम उसको पालन करते हैं तो ये एक तप कहलाता है। तो हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, सारा दिन ध्यान करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने खुद के माता पिता के निर्देशों का अगर हम पालन
करें वो तप है। भगवान के निर्देशों का अगर हम पालन करें तो वो क्या है? वो तप है। उसी तरह और भी चीजें हैं। और क्या है? और बताते हैं कि पवित्रता, अगर हम खुद को साफ पवित्र रखने की कोशिश करें तो वो भी एक तप है। आजकल तो वो आजकल नहीं, काफी टाइम से फैशन है ना कि किसी ने अगर जीन्स पहन लिया तो वो एक दो दिन या एक हफ्ते बाद नहीं धोएगा उसको, एक एक महीने बाद बाद धोएगा और चार लोगों को बोलेगा, भाई ये जीन्स इतना बढ़िया है, ये कंपनी का है, लेवाइस है, ये है फलाना फलाना, और मैंने तो इतना अच्छा जीन्स है, देखो धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और लोग ऐसे डार्क ब्लू काले जीन्स ऐसे पहनते हैं कि उसमें जितना भी मैल लगा लो, जितना भी मैल लगा लो वो दिखेगा साफ, और भी ब्रांडेड पीछे से। लोग बोलते हैं अरे क्या बात है जीन्स पहना, अरे भाई एक महीने से साफ नहीं किया, उसमें से गंद आ रही है, वो नहीं देखता कोई। स्नान भी आजकल लोग करते नहीं है, बच्चों को सिखाना पड़ता है, और माँ बाप को खुद ही पता नहीं है तो बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे। जिस दिन स्कूल है या बाहर काम के लिए जाना है उस दिन तो ठीक है, सैटरडे संडे के दिन सुबह तो उठते ही नहीं है, और अगर उठ भी गए सुबह, मतलब दोपहर के पहले अगर उठ गए, नसीब, उठने के बाद स्नान नहीं करना चाहते, उनको बोलना पड़ता है भाई जाके स्नान करो। ये हाल है आज का, है कि नहीं? तो अगर कोई स्वाभाविक तौर से या अपने हिसाब से वो पवित्र रहना चाहे तो वो भी एक तप है। फिर क्या बताते हैं? सरलता। आजकल हमारा जीवन इतना जटिल हो गया है, हमारी सोच इतनी जटिल हो गई है कि सरलता से सोचना या सरलता से हमारे जीवन में कार्य करना ये भी एक तप कहलाता है, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन वो एक तप है। फिर ब्रह्मचर्य, उसका तो क्या कहने, तो एक तरह से जो क्लीनलीनेस है ये इसमें भी व्यक्त होता है कि हमें क्लीन रहना है, हमें साफ रहना है। और अहिंसा, अहिंसा मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल अहिंसा, ये वाणी से भी अहिंसा। हम ज्यादा करके आजकल हम माहौल जो देखते हैं कि मारामारी तो होती है लोगों में, लेकिन शब्दों की मारामारी ज्यादा बढ़ गई है। हम एक दूसरे को शब्दों से मारते हैं और मार के उस पे हमें बड़ा गर्व होता है। तो ये बहुत जरूरी है, हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा जो आचरण है, मेरी जो वाणी है, उससे सामने वाले पे क्या असर होगा, उसको वो इसको कैसे लेगा, ये जानना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। और उसको हम अगर प्यार से बात करें, हंस के बातें करें, तो वो भी एक तप कहलाता है। महाराज बताते हैं कि कलयुग चल रहा है और हम ये जो तीन गुण है इसके अंदर बंधे हुए हैं, इसका प्रूफ क्या है, किस तरह से हम इसको समझा पाएंगे या समझ पाएंगे? तो महाराज बताते हैं कि देखिए आजकल कोई हंसता नहीं है, खास करके जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलता है, महाराज कहते हैं भाई एटलीस्ट हंस तो दो, हरे कृष्णा तो बोलो, चाहे आप उसको जानते हो या ना हो, चाहे उससे आपका मन मिलता हो या ना मिलता हो, हंसते में क्या जाता है। लेकिन हम हंसी भी भूल गए हैं, क्यों? इतने हम जकड़ गए हैं अंतरी तृप्ति के लिए, इतनी मेहनत करते हैं, इतना हम, हमें पता ही नहीं हम क्यों क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उलझे रहते हैं अपने आप में, कि हंसने का भी जो एक स्वाभाविक तरीका है उसको हम भूल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये है शरीर का तप। उसके बाद कृष्ण बताते हैं कि मन और वाक्य वाणी का तप क्या है। तो फिर वो बताते हैं अनुद्वेगाकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाण्मयम् तप उच्यते। तो ये है वाणी, वाणी का तप। तो वाणी का तप क्या है?
सच्चे भाने वाले हितकार तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। सच्चे भाने वाले हितकार, जो बात ऐसे करो जो सच्चा हो, लेकिन सच्चे का मतलब ये नहीं कि मैंने सच्चा बोल दिया चाहे उसे अच्छा लगे ना लगे, यही परम सत्य है। आई से द ब्लंट ट्रूथ, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लोग गर्व करते हैं, नहीं ये तरीका नहीं है। सच बोलो लेकिन प्यार से बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि सामने वाले के मन में उद्वेग ना हो, यह बहुत जरूरी है। ये ज्ञान लोग भूल रहे हैं क्योंकि वो अहम से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है कि मुझे सब पता है और मुझे इस, मेरा ये धर्म है कि मैं इसे सिखाऊं, लोग ऐसा ये ठान लेते हैं। हमें किसी ने वो अथॉरिटी नहीं दिया है कि हम समाज सुधार करें, पहले खुद की सुधार तो कर लें, बाद में उसको देखा जाएगा। अगर हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तभी हम उसको उसका पालन करें, वरना वो हमारा काम नहीं है। तो हमें सच्चे वाणी बोलनी चाहिए, सामने वाले को भाने वाले होने चाहिए और वो सामने वाले के लिए हितकारी होने चाहिए, तभी हमारे मुंह से वाक्य निकलने चाहिए और उससे सामने वाले को क्षुब्ध ना हो, उनको उनको बुरा ना लगे, ये समझना बहुत जरूरी है। और साथ में ये बहुत जरूरी, ये जो लास्ट में कृष्णा कहते हैं ये बहुत जरूरी है, वो कहते हैं कि वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, और हमारे लिए जो प्रभुपाद के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए प्रभुपाद के पुस्तकों का हर रोज अध्ययन करना, ये जप के बराबर है। जो भक्त है वो हर रोज जप करते हैं नियमित रूप से, उसी तरह वो प्रभुपाद के पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं, ये तप है। तो जप करना तप है, अध्ययन करना स्वाध्याय, ये भी एक तप है। और फिर अंत में कृष्णा तीसरे तप के बारे में बताते हैं जो मन से रिलेटेड है। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे, वो ये कहते हैं, मना प्रसाद संयत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। संतुष्टि, इसके बारे में हम पहले भी विचार कर चुके हैं, संतुष्टि ये एक तप है। तो अगर कोई आदमी संतुष्ट है मतलब वो तप कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो स्वाभाविक तौर पे संतुष्ट हो गया है। इस भौतिक जगत में कोई संतुष्ट हो सकता है स्वाभाविक तौर पे? नहीं हो सकता। अगर वो संतुष्ट है अंदर से, वो दिखता है बाहर, तो हमें समझना चाहिए वो बड़ा तप करने वाला इंसान है, भक्त है। सरलता, सरलता देखिए, मन के सरलता के बारे में भी कृष्ण बताते हैं, और जब शरीर के बारे में बता रहे थे वहीं पर भी, वहां पर भी उन्होंने सरलता का जिक्र किया। गंभीरता, यानी बेकार की बातों में हमें हमारा मन जो है वो उलझाना नहीं है। और हम आजकल बेकार की बातें बाहर जाके नहीं करना पड़ता, हम अपने घर के अंदर ही बेकार की बातें करने लगते हैं। पूछिए कैसे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो बेकार की जो बातें हैं आजकल हमारे जीवन में, हमारे रूम के अंदर, हमारे मन के अंदर घुस गई है। तो अगर हम उसके प्रतिकार कर पाए उचित तरीके से तो वो भी एक तप है। आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, तो ये जो चीजें हैं, ये प्यूरिफिकेशन, हमारा जो आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल, और हमारा जो अस्तित्व है उसकी शुद्धिकरण, ये तप कहलाता है। तो ये इन चीजों को बताने का जो उद्देश्य है भगवान का वो ये है कि देखो, आजकल अगर आप किसी को आधा घंटे के लिए नीचे चुपचाप बैठने के लिए बताएं तो कितने लोग बैठ पाएंगे आप बताइए? मतलब मैं कह रहा हूं क्रॉस लेगेड नीचे, जब हम जैसे भागवतम क्लास होता है या मंदिर में जाते हैं नीचे बैठते हैं,
लोग बैठ नहीं पाते, आधे घंटे तक भी बैठ नहीं पाते क्लास के लिए। वो ऐसे यूं ऐसे हिलते हैं, वो ऐसे करते हैं, पैर ऐसा करता है, करते हैं, पैर दुख रहा है। मैं बूढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं, जवानों की बात कर रहा हूं। वो बैठ नहीं पाते, आदत नहीं है। तो आज के दिन में चुपचाप नीचे आधे घंटे तक बैठना, ये भी तप है। अगर किसी को मिलके हम हंसते हैं, वो भी तप है। रोज अगर हम 15 मिनट चलते हैं कहीं, तो वो भी एक तप है, क्योंकि लोगों को आज मौका नहीं मिलता है चलने का या परिश्रम करने का, मतलब शारीरिक परिश्रम का। और आज का जो समाज है वो ऐसा है कि जो भी अस्वस्थ चीजें हैं, शरीर के लिए हानिकारक, मन के लिए हानिकारक, उसी उन्हीं चीजों का प्रचार होता है, हो रहा है आजकल। तो अगर मनुष्य जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में है, वो वही कार्य करता है जो उसके शरीर और मन के लिए पवित्र नहीं है, अस्वस्थ है। तो ऐसे सब चीज करने से कैसे आदमी स्वस्थ रह सकता है, कैसे सुखी रह सकता है, कैसे संतुष्ट रह सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए जब हम ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए, तब जो तप या जो चीजें हमें बताई गई हैं, वो हमें लगता है बहुत तकलीफ दे सकती है। और इसीलिए आधे से ज्यादा लोग, या ज्यादा करके लोग, तप को ग्रहण करना नहीं चाहते। लेकिन थोड़े से विश्वास के साथ अगर इस तप को ग्रहण कर सकें, तो हमारा जीवन एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए, एकदम पलट जाए। तो हमें समझना है कि तप एक परम बड़े लक्ष्य के लिए हम करते हैं। जिस तरह एक यंत्र, एक एक शरीर को हम ट्रेनिंग देते हैं, अभ्यास कराते हैं, प्रशिक्षण देते हैं उसको और अच्छे तरह से काम करने के लिए, उसी तरह इस जीवन में हमें तप की आवश्यकता है, भक्ति, भगवत भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए। और अगर सही तरह से उस तप को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो वो एक जीवन का हिस्सा बन जाता है, वो तप या तकलीफ नहीं कहलाता, और धीरे धीरे वो हमें अंदर से सुख प्रदान करने लगता है। कितने लोग जो भक्त बने हैं, खासकर जिनका संपर्क महाराज से रहा है, वो सुबह उठ नहीं पाते थे, लेकिन महाराज के साथ उनका सब जब एसोसिएशन होने लगा, लोग उनसे निर्देश लेने लगे, तब उन्होंने अपने आप को उस तप में डाल दिया कि नहीं, हमें उठना है, सुबह मंगल आरती करनी है। और जब हम हर रोज वो करने लगते हैं, तकलीफ होती है, पहले बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब हम करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, वो हमें अच्छा लगने लगता है। और जब अच्छा लगने लगता है, तब वो तकलीफ नहीं रहता, तब वो हमारा एक जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो उसी तरह अगर जीवन में हमें परम आनंदमय सुख का भोग करना है, और भोग करना है इसलिए नहीं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की सेवा में हम एंथुजियास्टिकली लीन हो सके, उस मनोभाव से जब हम उस तप को करते हैं, तब क्या होता है, तब अंदर से जो सुकून मिलता है, वो इस भौतिक कोई भी कार्य से नहीं मिल सकता, असंभव है। तो तप के लिए क्या करना है, इतने तीनों चीजें भगवान ने यहाँ बताए बताए गए हैं, लेकिन प्रभुपाद ने, महाराज ने हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर हमें तप करना है, तो पहला चीज, मंगल आरती के लिए उठो। हर रोज उठ के स्नान करके शुद्ध होकर मंगल आरती करो। मंगल आरती के बाद भगवान का जाप करो। जाप के बाद प्रभुपाद के पुस्तकों का अध्ययन करो, और साथ में कुछ जो एकादशी और दूसरे इस तरह के जो भी अन्य फेस्टिवल्स आते हैं, वहां पर फास्टिंग करो, उपवास करो, ये बहुत जरूरी है। और पांचवा, सामने वाले की, दूसरे मनुष्य से जब हम मिलते हैं, खासकर हमारे दोस्त रिश्तेदार, उनसे
अच्छे से अच्छे अच्छा व्यवहार करो, अच्छी तरह बातें करो, और जो एक रिलेशनशिप है उसको अच्छे तरह निभाने की कोशिश करो, वो भी तप है। तो सिर्फ बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ये 5 चीज कर पाए हमारे जीवन में आज से ही, तो हमें इस तप करने का जो और हम सही तरीके से उसको करें तो हमें इस तप करने का जो फल है उसकी प्राप्ति होगी, और अंदर से एक संतुष्टि का जो प्रभाव है वो बहने लगेगा, और तब हमें पता लगेगा कि कृष्णा ने हमें भगवद गीता में जो भी ये निर्देश दिए हैं ये हमारे भलाई के लिए, इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही है, और इसका पालन करना हमारे ही हित में है। इस हेतु से हमें और कड़ी तरीके से और मेहनत करके तप करना चाहिए। तब तप मेहनत नहीं कहलाता, तब तप आनंदमय बन जाता है। सो मनुष्य जीवन का लक्ष्य आनंदमय होना चाहिए। हम हमेशा आनंद के खोज में रहते हैं, लेकिन सही जगह सही आनंद की प्राप्ति तब से ही मिलता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ शेयर करने हैं, कि बहुत बड़ा आज का विषय था तो सब हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन कुछ कुछ जो जरूरी चीजें हैं मैंने कोशिश की कि आपके सामने उसको रखें। हरे कृष्णा। कृष्ण मनोहर प्रभु, प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु। आपका मुझे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ मैं आपके लेक्चर से। मुझे लग रहा है कि पालन करना बहुत जरूरी है, और महाराज के जो कथन है मंगल आरती और सुबह में उठ के जाप करना वगैरह, तो उसका पालन करना जरूरी है। तो आपके आशीर्वाद और महाराज के आशीर्वाद की जरूरत है कि हम उसको अच्छे से पालन कर पाए। तो आपके मतलब प्रार्थना है आपसे कि हम उसको पालन करते हैं। महाराज की कृपा है, मंगल आरती तो महाराज की एक देन है, हम जानते हैं, लेकिन जिस तरह से महाराज हमें कराते हैं या हमेशा बोलते थे, पहले पहले तो अच्छा नहीं लगता है या तकलीफ होती है, लेकिन जब एक आदत धीरे धीरे बन जाती है भक्तों के संग करते करते, तो बाद में लगता है कि भाई, और किसी एक दिन अगर छूट जाता है तो लगता है कि भाई आज का दिन बेकार हो गया। ये जरूरी है, पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आपका मार्बल मार्बल वाला कहानी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सटीक, अच्छा लगा मुझे कि मतलब कि अगर हम तकलीफ सहें तो बाद में मतलब उसका परिणाम व्यक्त हो जाता है और हम देखते हैं। थैंक थैंक यू वेरी मच प्रभु। यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और कोई है किसी के पास? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब और किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक किसी और का कोई प्रश्न नहीं है। तो अब हम ये ठीक है। लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्रीहित प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर तपस्या मानव जीवन की एक विशेषता के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापिस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।